वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं परवल की सूखी सब्जी बनाने की बहुत ही आसान, सिंपल और टेस्टी रेसिपी शेयर करूंगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए और इसी तरह की इजी और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये मैंने 250 ग्राम परवल लिए हैं। परवल के दोनों किनारों को कट करके इस तरह से स्क्रैच करते हुए छील लेंगे। सभी परवलों को इस तरह से छील कर धो लेंगे। परवलों को मैंने धो लिया है, अब इसे लंबा और पतला पतला कट कर लेंगे। किसी परवल के अंदर अगर कड़क बीज है तो इसे निकाल कर अलग कर लें। दो मीडियम साइज़ के आलूओं को भी मैंने लंबा और पतला पतला कट कर लिया है। अब एक बाउल में 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर और आधा छोटा चम्मच या आपके टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करें। अब इसमें 1 से 1.5 बड़ा चम्मच पानी मिलाकर मसाले का घोल बना लेंगे। अब कढ़ाई में 2 बड़ा चम्मच तेल गरम करेंगे। तेल गरम हो जाए तो 1/4 टीस्पून हींग और 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा तड़क जाए तो आलूओं को डाल देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। आलू को थोड़ा फ्राई करने के बाद परवल डाल देंगे और परवल को भी मीडियम टू हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। अब इसे ढककर लो फ्लेम पर 5 मिनट रखेंगे ताकि परवल थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। 5 मिनट हो गए हैं और परवल भी थोड़े सॉफ्ट होकर 50% तक पक गए हैं। अब इसमें मसाले का घोल डाल देंगे और कटोरी में थोड़ा सा पानी लेकर लगा हुआ मसाला भी पूरा ले लेंगे। अब मसाले को परवल में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब ढककर लो फ्लेम पर 5 मिनट और पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं, परवल और आलू अच्छी तरह से गल गए हैं। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और कटा हुआ हरा धनिया डालकर मिक्स करेंगे। तो ये गर्मा गर्म परवल आलू की मज़ेदार सूखी सब्ज़ी बनकर तैयार है। इसे बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है, लेकिन खाने में ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। इसे गर्मा गर्म रोटी पराठे या पूरी के साथ सर्व कीजिए और इसे टिफ़िन बॉक्स में भी रखकर दे सकते हैं। तो इस तरह से परवल आलू की सूखी सब्ज़ी बनाकर ज़रूर देखिए और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।